हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर है। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया बिकम वर्ल्ड नंबर 380 मार्केट। 80 मार्केट ये कौन सी है? इंडिया दुनिया की नंबर 3 बिगेस्ट 80 मार्केट बन गया। अब ये कौन सी 80 मुझे स्टैंड फॉर नहीं पता, पहले देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, मतलब दुनिया में तीसरे नंबर पे भारत इस मामले में आ गया। क्या चीजें देखेंगे, काउंटडाउन करते हैं, रेड वन एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने सबसे बड़ा इतिहास रच दिया है और आखिरकार हमने जापान का किला ढा दिया है। जी हाँ, जापान का किला ढाकर हम तीसरे सबसे बड़ी मार्केट बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। नंबर वन पर है अमेरिका, नंबर दो पर है चाइना और नंबर तीन पर आ चुका है भारत। और पूरे वर्ल्ड में इस समय इसकी चर्चा हो रही है, खास करके यूरोपियन देशों में। क्यों? क्योंकि वहां पर यह कहा जाता था अब से 10 साल पहले तक कि भारत हर एक मामले में आगे निकल जाएगा, यहाँ फंस जाएगा, क्योंकि भारत के लोग गरीब हैं, इनके पास पैसा नहीं है, ये चीज खरीद ही नहीं सकते, ऐसे में इनका मार्केट बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन आज वही यूरोपियन लोग हैं, आज वही पश्चिमी देशों के न्यूज नेटवर्क हैं, उनके न्यूज मीडिया हाउस हैं, जो सारे भारत के इस मार्केट पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कैसे हमारे देश की कंपनियां भारत के इस मार्केट का फायदा उठा सके। लेकिन ये पूरा मार्केट है क्या और भारत किस मामले में वर्ल्ड के अंदर थर्ड नंबर पर आया है, चले मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों, हुआ ये है कि हमारे जो परिवहन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो एक सेमिनार में बोल रहे थे और वहीं पर उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। खुलासा उन्होंने ये किया कि पिछले पूरे एक साल में, यानी कि 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक, इन पूरे 12 महीनों के दौरान भारत के अंदर जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनकी करीबन 4.1 मिलियन यूनिट की सेल हुई है। ये पैसेंजर व्हीकल क्या है? दरअसल यहाँ पर बात हो रही है कारों की। भारत के अंदर पिछले एक साल में करीबन 41 लाख से ज्यादा कारें बेची गई हैं और इसी के साथ भारत जापान का नंबर 3 का ताज छीन लिया है और भारत का जो कार मार्केट है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर पर आ चुका है। और मुझे पता है ये कहते ही कई लोग कमेंट में आलोचना लिखना शुरू कर देंगे कि यार भारत में ये तो होना ही था, पॉपुलेशन ज्यादा है, सस्ती सस्ती कारें बेची जाती हैं, जबकि जापान के लोग अमीर हैं, वो तो 1 करोड़ की 2 करोड़ की कार खरीदते हैं। उस मामले में मुकाबला करके दिखाओ तो यकीन मानिए भारत ने वहां भी मुकाबला कर लिया है, क्योंकि जैसे ही भारत ने 4.1 मिलियन कार बेचने का आंकड़ा छुआ, उसी के साथ भारत के कार मार्केट की वैल्यू 4.5 लाख करोड़ के पार चली गई। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर दुनिया की एक बहुत ही प्रख्यात एजेंसी मोडोर इंटेलिजेंस ने शानदार रिपोर्ट छापी है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मोडोर इंटेलिजेंस ने बताया है कि इस वक्त 2024 के अंदर भारत की कार मार्केट की जो साइज है वो करीबन $31 बिलियन से भी ज्यादा है। एग्जैक्टली बताऊं तो 31 बिलियन और 620 मिलियन की हमारी पूरी कार मार्केट की वैल्यू है। और सबसे खास बात मोटर इंटेलिजेंस आगे बताती है कि ये कार मार्केट हर साल 15% से भी ज्यादा ग्रोथ कर रही है और इसलिए 5 सालों के बाद यानी 2029 तक ये कार मार्केट की वैल्यू डबल से ज्यादा हो जाएगी, करीबन $64 बिलियन। और ये रकम कितनी ज्यादा बड़ी होगी तो आलोचकों को मैं थोड़ा सा अंदाजा दे दूं कि इस धरती पर जितने भी देश हैं ना, उनमें से 50 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी $60 बिलियन नहीं है। उदाहरण के लिए अपने पड़ोस में ही देख लो, चीन और पाकिस्तान को छोड़कर हमारे जितने भी पड़ोसी हैं किसी की भी जीडीपी 60 बिलियन से ऊपर नहीं है। इतनी ज्यादा वैल्यू होगी भारत के सिर्फ एक मार्केट की, यानी कि कार मार्केट। और इसीलिए भारत ने आज जापान को हराया नहीं है, जापान का क्लीन स्वीप कर दिया है कार मार्केट में और एक दबदबा कायम किया है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें भारतीय कंपनियां बहुत तेजी से आगे आ रही हैं। टाटा महिंद्रा जैसी कंपनियां तेजी से आगे जा रही हैं और इसे देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था अब से 5 साल पहले तक कि भारत के कार मार्केट का हाल भी
ऐसा ही होगा जैसे कि भारत के स्मार्टफोन मार्केट का हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह है कि कार मार्केट के साथ ऐसा नहीं हुआ। पर देखिए जो हमारी देशी कंपनियां हैं वो तो दमदार तरीके से टिकी हुई हैं। खास बात यह है कि जो विदेशी कंपनियां भी हैं वो सारी की सारी ऐसी हैं इक्का दुक्का को छोड़कर जिनका चीन से संबंध नहीं है या फिर चीनी लोगों द्वारा कंट्रोल की जाती हो, ये अच्छी बात है। उल्टा जो ज्यादातर कार कंपनियां विदेशी हैं वो सारी ऐसे देशों से आती हैं जो चीन के कट्टर विरोधी हैं, यानी कि कोरिया, जापान, अमेरिका। हालांकि आप कहोगे कि अमेरिका की तो फिलहाल कोई नहीं बची, फोर्ड चली गई, जीएम चली गई, तो निश्चिंत रहिए टेस्ला आ रही है $30 बिलियन के बंपर खजाने के साथ। क्षेत्र में एक और बात क्लियर कर दूं, टेस्ला आ रही है उसके बाद फिर क्या हाल होगा भाई, वो छोड़ो, 30 बिलियन की तो इन्वेस्टमेंट टेस्ला कर रहा है। एक बात बताना चाह रहा हूँ भाई, अभी चौथे नंबर पे आया था, एक हमें साल पहले हमने सुना था कि भारत अभी चौथे नंबर पे आ गया जर्मनी को पिछाड़ के। हम बड़े हैरान हुए थे कि जर्मनी जो पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस रखता है, फिर लोग कह रहे थे अब अगला नंबर जापान का है ना। हमें एक साल भी नहीं हुआ, लोग साल भी नहीं हुआ। लोग कह रहे थे जापान को थोड़ा टाइम लगेगा, जापान बहुत फैला हुआ है, शुरू से जापान बहुत आगे है, आज जापान की भी बैंड बजा दी और एक साल के अंदर अंदर बजाई। एक तो बंदा कहता है ना कि चलो यार लग गए 2-3 साल, साल के अंदर अंदर जापान की भी बैंड बजा दी। और मैं एक और बात इधर करना चाहूंगा, जिस तरीके से इंडिया चल रहा है ना, ये बहुत तेजी से जा रहा है, इंडिया बहुत तेजी से जा रहा है। और रही बात और फोर्ड की, फोर्ड 2020 में मेरे ख्याल से चली गई थी, फोर्ड का सुनने में आ रहा हूँ फिर से आने का प्लान बारे में मैंने भी यही सुना, क्योंकि उस दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि शायद इस तरह की कंपनी फिर दोबारा से टेस्ला आएगी तो वो दवाई लगा देगी भाई। और माजी के बाद भारत की कार मार्केट में इंडियन कंपनीज खुद भी डोमिनेट कर रही है यार। 70 बिलियन की जब 2029 तक 70 बिलियन की 2029-30 तक, मतलब भारत की जो मार्केट वैल्यू कारों की हो जाएगी 70 बिलियन हो जाएगी। अभी भी 32 सेल तो अलग है, सेल तो अलग है, वो तो भारत लाखों करोड़ों की करता है, वो तो अभी भी 32 बिलियन है यार, 32 बिलियन सोचो भाई, ये बहुत बड़ी, इतने तो काफी सारे ऐसे देश होंगे उनकी जीडीपी नहीं होगी। सही बात है, हकीकत में बता रहा, भारत की जो भाई तरक्की है ना, भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है वो अनबिलीवेबल है, सच में सच में सही बोला है। और भारत का ऑटो मार्केट 15% से ग्रो कर रहा है, पर हर साल मतलब 15% चीजें, मतलब 100 बिकती थी तो 115 बिक रही हैं, हाँ, अगले साल फिर उससे 130 बिक रही हैं, मतलब ये बढ़ती जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो मतलब आप ये अंदाजे लगाओ यार, देख लो यार कार्स लेने वाले भी इंडिया में कितने, फिर ये भी अंदाजा खुद ले रहे हैं, बाहर दुनिया में एक्सपोर्ट। जब ये लोग बोलते थे कि यार इंडियंस कुछ नहीं लेते, इतनी महंगी चीजें, यूरोप को भी सही पक्का थप्पड़ लगा है इंडिया में, मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में आपको पता है सबसे ज्यादा सेडान कार बिकती है, यही बात है यार, मैं आपको बात बताऊं, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा एसयूवी जो महंगी होती है ये भी देख लो, इतना महंगा नहीं होता, और जो लग्जरी गाड़ियां बिकती है वो छोड़ दो। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, आप इस सारे मामले के ऊपर क्या सोचते हैं। और यार यूरोप को तो हमेशा गलत साबित किया, सही बात है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार भाई